अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। वेल जी, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है अमना की दादो होम गए थे हम, और रात में जो था वो दिन में बिजी थे हम आजी और वो नहीं थे हमारे साथ, तो फिर हमने कहा चले शाम में आते हैं तो फिर हम बाहर चलते हैं। तो हम आए थे आइसक्रीम खाने अजमेर सोसाइटी में, अजमेर टाउन में, और ये था कि यहाँ पे इतना हबस था और बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। तो अच्छा कहा कि बच्चों को पार्क में क्या लेके जाएं, मच्छर भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर कहा कि चलें, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, घर का फ्रूट वगैरह लेना था और कुछ बादाम और ड्राई फ्रूट वगैरह। आंटी ने ना थोड़ा सा अपनी किसी चीज़ में उन्होंने डालना था, क्या उन्होंने वो मंगवाया हुआ था, तो फिर हमने वो भी लिया। और फिर आदमी का वेट कर रहे थे जो आइसक्रीम बनाते हैं ना, वो नहीं थे यहाँ पे, तो कोई और जो था ना वो भी इतनी अच्छी बना नहीं रहे थे, तो हमें करना था कुछ वेट और हम उसके लिए चले गए थे मार्ट में। और पहले हमने वेट किया, पता चला कि वो नमाज़ पढ़ने गए हैं, और फिर हम मार्ट में चले गए और वहाँ पे जाके फिर आमना ये भी लेना है, ये भी लेना है। खैर, तो बड़ी मुश्किल से जो था ना वो हमने आमना को मार्ट में लेके तो गए, और निकालना बहुत ही मुश्किल था आमना को वहाँ से। काफ़ी कुछ लिया भी हमने, और जो जो कुछ ज़रूरत का था, जो आंटी ने कहा था लाने के लिए या बाजी ने, तो इसके अलावा ये था कि बहुत मुश्किल से आमना को मार्ट से निकाला और देखा कि जी मैन आ गया है, और हमने जो था वो आइसक्रीम अपनी अपनी पसंद की बनवाई, और फिर वहाँ पे बैठ के हमने आइसक्रीम भी खाई है। और सारा दिन भी हमारा बहुत बिजी, बहुत अच्छा गुजरा, और आमना की चची और मैंने मिलके कुकिंग की थी, उन्होंने सालन बना लिया, मैंने पुलाव बना लिया, और फिर मीठा खा रहे समझे कि हम बाहर आ गए। और इसके अलावा जो था वो बड़ा अच्छा हमारा ये संडे का दिन गुजर गया था, और बच्चे भी खुश हो गए थे। तो अब थी जी, अब है ये मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग में नमाज़ पढ़ के जो एज़ यूजुअल मैं जब भी जाऊँ तो फिर मैं टेरेस में ज़रूर थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ। तो और ये है कि जिस जगह पे आप रहे हो, थोड़ा टाइम ही हो, आपकी मेमोरीज होती हैं, मेमोरीज अच्छी हो बुरी हो, लेकिन मेरी जो है ना वो एक टेरेस में बैठना और ये वो बड़ी अच्छी मेमोरीज इस तरह से रही हैं कि मौसम देखना और सामने इंडस हॉस्पिटल बन रहा है। और ये डॉग्स की भी एक स्टोरी है कि यहाँ पे ना इतने डॉग्स होते हैं कि आप कभी भी निकल नहीं सकते बाहर। तो आंटी ने तो एक स्टिक रखी हुई थी कि हमने अगर बाहर जाना ना तो हमने देखना होता था कि अगर डॉग्स आ जाए तो फिर पास अपने जो थे ना वो एक स्टिक रखी होती थी। खैर, ये इंडस हॉस्पिटल है, ये भी माशाल्लाह से अब बिल्कुल तैयार हो गया और अब तो जो है वो रनिंग में आ गया। अब यहाँ पे डॉक्टर्स भी बैठ रहे हैं और इस तरह से, तो ये जो था ना अभी तैयार हो गया है, उसको भी देख रही थी बैठ के, और हम देखा करते थे कि कितना काम हो रहा है और बड़ी स्पीड से काम हुआ है। और मौसम जो था अभी भी बहुत हबस और गर्मी वाला, लेकिन जो सूरज निकलने का एक सीन था ना वो बहुत अच्छा था। और ये है कि हम भी सुबह में वॉक करते थे, और अभी भी आंटी और बाजी वॉक करती हैं, लेकिन ना साथ बहुत ध्यान करना पड़ता है कि डॉग्स का है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है। इसके अलावा आमना के चचू गए हुए थे नारायण का गन, और वो वहाँ से कुछ शॉपिंग करके आए थे। ये जी वली हैं हमारे, और इन्होंने पहना है जो इनके बाबा ड्रेस लेके आए हैं, तो जब सारी चीज़ें खोली तो फिर इनको भी जो था वो पहना दिया कि अच्छा चले जी। और ये यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे, हंस रहे हैं, और तो इनके साथ सभी जो थे ना वो अभी प्ले कर रहे थे, और सारा दिन जी बस ये रौनक है घर की, और इसी तरह से जो है वो सारा वक्त गुजर जाता है। और ये मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या लेके आए हैं। ये अपनी मिसेस के लिए, इनके चाचू जो हैं मतलब आमना की चची के लिए जो है ये शर्ट लेके आए हैं, एक और सेम शर्ट आमिना की भी है। तो आमिना को थोड़ा सा ये हुआ कि गले से सर से नहीं उतरी है तो शर्ट, लेकिन ये कि मैं उसके साथ थोड़ा सा कुछ करूँगी और गला भरा करके तो हुक वगैरह लगा के आमना को एडजस्ट कर दूँगी। और ये आमना की फुप्पो और आमना की चची का ड्रेस दोनों का सेम है, और ये लेके आए इनके चचू। इसके दुपट्टे में काफ़ी फ़र्क था, दुपट्टे का कलर बिल्कुल भी जो था ना वो ड्रेस से, मतलब ड्रेस ब्राइट कलर ऑरेंज था। और ये इनकी दादो की थी शॉल, और ये भी बहुत अच्छी गर्म शॉल थी। और जी ये बैग आया था मेरे लिए, और अच्छा बैग है। और वैसे मैं ज़्यादा तो मैंने कभी वैसे पर्सनली जब मैंने खुद से ख़रीदना हो तो मैंने ऐसा नहीं ख़रीदा, लेकिन ये है कि फिर वहाँ की जो कल्चरल चीज़ें मिलती हैं और यही गिफ्ट्स जो है ना वो फिर अच्छे भी लगते हैं। और हैंडमेड है बैग भी, और ये शर्ट भी थी आमना की, इसका गला बहुत छोटा था, इसका मैंने बताया आपको। खैर जी, उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग, ये देखें जी मेरा बैग पहन के बैठा, तो इस शॉर्ट व्लॉग को कर दीजिएगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज़।